कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बातों को अपने दिल में इतनी जगह दे देते हैं कि वो कभी कभी बोझ से लगने लगते हैं, और हमें लगता है अब तो बस इस बुरे फीलिंग से बचने का एक ही रास्ता है कि कुछ फील करना ही बंद कर दे। ऐसा कई बार आपको लगा होगा कि अब बस हुआ, दर्द कम करने की यही एक रास्ता है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये दर्द आपके लिए तो शायद कम हो जाए, लेकिन जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो लोग आपके बहुत करीब हैं, ये दर्द तो उनको देकर जा रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आपके जाने से किसी को फर्क नहीं पड़े? फर्क तो पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मुझसे जुड़े हुए हैं। आपको अगर कभी भी ऐसा लगे कि समझ नहीं आ रहा किससे बात करूं इस बारे में, तो आप मेरे सोशल हैंडल्स पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं, थोड़ी सी भी हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कुछ मदद ज़रूर करूं। हर कोई अपनी ज़िंदगी में अपनी लड़ाई लड़ रहा है और आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक प्रोफेसर अपनी क्लास की शुरुआत अपने हाथ में एक ग्लास लिए करते हैं जिसमें आधा पानी भरा रहता है। वे ग्लास को थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि सभी लोग इसे अच्छी तरह से देख सकें। उसके बाद वो स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप लोगों के हिसाब से इस ग्लास का वजन कितना होगा, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 125 ग्राम। लगभग सभी स्टूडेंट्स ने अलग अलग जवाब दिए। प्रोफेसर ने कहा, असल में मैं इस ग्लास का वजन तब तक नहीं बता सकता हूँ जब तक मैं इसका वजन न कर लूँ। खैर, मेरा सवाल यह है कि क्या होगा अगर मैं इसे इसी तरह कुछ मिनटों के लिए ऊपर उठाए रखूं? कुछ नहीं, एक स्टूडेंट ने कहा। प्रोफेसर ने कहा, ठीक है, क्या होगा अगर मैं इसे इसी तरह एक घंटे के लिए पकड़े रखूं? आपके बाजू में दर्द हो जाएगा, एक स्टूडेंट ने कहा। तुम बिल्कुल सही हो, अब बताओ क्या होगा अगर मैं इसे इसी तरह एक दिन तक पकड़े रखूं? एक दूसरे लड़के ने मजाक भरे अंदाज में कहा, हो सकता है आपका बाजू सुन्न हो जाए, बाजू की मसल्स में स्ट्रेन हो जाए और आपका हाथ पैरालाइज हो जाए, फिर आखिर में आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े। इस पर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगे। बहुत अच्छा, लेकिन क्या इन सब के दरमियान इस ग्लास का वजन कम हो गया, प्रोफेसर ने पूछा। नहीं, सभी लोगों ने जवाब दिया। प्रोफेसर ने पूछा, तब बाजू में दर्द और मसल स्ट्रेन का कारण क्या था? स्टूडेंट्स थोड़े से उलझन में पड़ गए। प्रोफेसर ने दोबारा पूछा, तो अब मुझे दर्द से राहत पाने के लिए क्या करना चाहिए? ग्लास को नीचे रख देना चाहिए, पुट द ग्लास डाउन, उनमें से एक स्टूडेंट ने कहा। बिल्कुल, प्रोफेसर ने खुश होते हुए कहा, लाइफ की प्रॉब्लम भी कुछ इसी तरह की है। कुछ मिनटों के लिए उन्हें दिमाग में रखिए, तब तक तो ठीक है, कुछ घंटों तक उनके बारे में सोचते रहिए तो वो दर्द देना शुरू कर देती है, लेकिन अगर आप कुछ दिनों तक उनके बारे में सोचते रहें तो वो आपको पैरालाइज भी कर सकता है, उसके बाद आप कुछ करने के काबिल भी नहीं रहिएगा। और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपके मन में ऐसे ख्याल भी आने लगेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ज़रूरी है कि हम अपने लाइफ की चुनौतियों और समस्याओं के बारे में सोचें, लेकिन इतना भी नहीं कि हम कुछ और सोच ही ना पाएं। जैसे जब तक आप उस ग्लास के बोझ को उठाए रखेंगे, आपका सारा ध्यान बाजू के दर्द पे होगा और आपके आसपास जो अच्छा भी हो रहा होगा आपका उस पर ध्यान नहीं जाएगा। तो इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि अगर आप अपने चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं तो एक वक्त के बाद, मतलब दिन के आखिर में, उसे नीचे रख दीजिए, पुट द ग्लास डाउन, जिससे आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकें और हर नई सुबह फिर नए चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स का मजबूती से मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की किसी को ज़रूरत है तो उन्हें शेयर करें। तो मैं चचा जान अब सबसे इजाज़त लेता हूँ। मिलते हैं अगले जुमा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।